Hello kids, really good morning to all of you. Okay, so now it's time to get started the exercise part. Already in last lecture we are completed the question answers part and now we will move over the B section. Mark these sentences as true T or not true 90. Okay, जो true है उसके लिए आपको T लगाना है and जो not true है उसके लिए 90 लगाना है. So let's get started. This is the exercise you have to do in your book only. While playing goalie, players must be touch their goalies with the other own. उसको जब गोली का प्ले करते हैं हम लोग तो हमें दूसरे के प्लेयर को गोली को टच करना होता है. नो, नॉट ट्रू. द प्लेयर हु टेक्स अवे ऑल द अदर गोलीज वाइन द गेम्स. नॉट ट्रू. ओल्डर बॉयज यूज द गेम ऑफ आंख मिचोली टू ट्रिक यंगर चिल्ड्रन. ठीक है, जो ओल्डर बॉयज होते थे वो यंगर चिल्ड्रन को ऐसे स्टिक करते थे कि हम इनको हरा देंगे. यस, ट्रू. द फर्स्ट स्टॉप द अदर बॉट वॉज मेड ऑफ वुड. ठीक है, जो ऑदर ने फर्स्ट लिया था वो वुड का बना हुआ था. नो, उसने वो मड का लिया था इसीलिए वो उसकी टूट भी गया था. फिफ्थ वन इज द ऑदर वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग कबड्डी. कबड्डी खेलने में वो बहुत ज़्यादा गुड था. नो, ही वॉज गेट वेल ओके इन प्लेइंग कबड्डी बिकॉज ही नॉट नो द ट्रिक्स और टेक्टिक्स ऑफ दिस टू प्ले द गेम ऑफ कबड्डी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर ट्रूफ एंड ट्रू एंड नॉट ट्रू एक्सरसाइज नंबर बी. ओके, सो वी विल स्किप दिस ग्रामर पोर्शन, योर इंग्लिश जंक्शन ग्रामर पोर्शन, बिकॉज दिस ऑल एक्सरसाइज वी आर ऑलरेडी कवर इन आर इंग्लिश इंजॉइंग ग्रामर बुक. ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई वी स्किप दिस. ओके स्टूडेंट्स, बाय.